जिलाधिकारी ने 24 मार्च 2022 से प्रारंभ होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा को नकल विहीन शांतिपूर्ण तथा पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने हेतु परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्यों व व्यवस्थापक के साथ की अहम बैठक। छिहा कस्बे में बिल का भुगतान न करने पर 15 विद्युत बकायेदारों का कनेक्शन काटा गया, साथ ही विद्युत चोरी करने वालों को दी चेतावनी। हरगाम के रहने वाले वसीक सनम ने होली के अवसर पर भजन गाकर मचाई धूम, जिले का नाम किया रोशन। भारतीय जनता पार्टी से कानपुर देहात जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान को कानपुर फतेहपुर क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया गया। धाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा दामपुर बालूघाट समीप लौकुश कुमार निवासी गाजीपुर थाना किशनपुर को बालू ट्रक चालक ने राड से किया जानलेवा हमला, घायल युवक को हॉस्पिटल भेजा गया। कल्याणपुर सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचा कार सवार, पत्नी और बच्चे को लेकर इटावा जा रहा था, पीएनसी की लापरवाही से होते टला बड़ा हादसा। थाना किशनपुर में हुई घटना के संबंध में उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, आरक्षी ब्रजमोहन कुमार, आरक्षी बिरजू यादव, आरक्षी मदन लाल को निलंबित किया गया। वहीं थाना अध्यक्ष किशनपुर की भूमिका के संबंध में जांच कराई जा रही है। मलवा विकास खंड के औद्योगिक क्षेत्र रामपुर स्थित एक फैक्ट्री में टायर इकट्ठा कर जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण व स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बड़ा खतरा। दिन भर की चुनिंदा खबरों के लिए हमारे चैनल सिग्मा न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।